माही ने दो साल बाद आईपीएल में 50 मारी, लेकिन उनकी 50 भी सीएसके को हार से नहीं बचा पाई। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में केकेआर ने चार बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। टॉस जीतकर केकेआर ने सीएसके को बैटिंग का न्योता दिया और कंडीशंस को देखते हुए निर्णय सही निकला। उमेश यादव ने पहले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन वापस भेज दिया। चेन्नई के विकेट गिरने का सिलसिला बरकरार रहा। 5वां विकेट गिरने के बाद एमएस धोनी ने टीम की बैटिंग का भार संभाला। इसके बाद नए कप्तान रविंद्र जडेजा और थला ने रनों की गति को धीरे धीरे बढ़ाया। जड्डू ने धीमी पारी खेलते हुए 28 बॉल्स में 26 रन बनाए। वहीं दूसरी तरफ माही ने 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 38 बॉल में ताबड़तोड़ 50 रन की पारी खेली। केकेआर के लिए उमेश यादव ने इनिंग्स की शुरुआत में ही 2 अहम विकेट झटके। जवाब में चेज करते हुए कोलकाता की टीम एक बार फिर प्रेशर में नहीं दिखी। अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर ने 6 ओवर में ही 40 रन बना डाले। ड्वेन ब्रावो ने अय्यर और नीतीश राणा के विकेट लेकर मैच में रोमांच भरने की पूरी कोशिश की, मगर रहाणे और उनके बाद श्रेयस अय्यर और सैम बिलिंग्स ने पारी को संभाला और टीम को जीत दिलाई। जीत से खुश कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा, धोनी जब तक क्रीज पर रहते हैं टेंशन बनी रहती है। मैं जानता था कि उसकी वजह से मोमेंटम सीएसके की तरफ शिफ्ट हो सकता है। गेंद पर पकड़ बनाना मुश्किल था। मैं नई टीम में एंजॉय कर रहा हूँ। सीईओ, मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ कमाल का है। बस इस मोमेंटम को आगे लेकर चलते जाना है। मुझे इस मैदान पर खेलना बहुत पसंद है। मैं यही पला बड़ा हूँ। मुझे लगा था कि पिच फ्लैट रहेगी। इस बॉलिंग लाइनअप के साथ चीजें काफी आसान थी। उमेश ने नेट्स में कड़ी मेहनत की है और अभ्यास मैचों में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। उनके प्रदर्शन से काफी खुश हूँ। ताज़ा सीएसके के कप्तान बने रविंद्र जडेजा ने मैच के बाद कहा कि इस टूर्नामेंट में उसका फैक्टर बड़ा होगा। टॉस जीतकर टीम्स अक्सर पहले बॉलिंग करना चाहेंगी। जडेजा ने कहा, ओस इस सीजन एक बड़ा फैक्टर रहेगा। टॉस जीतने के बाद आप पहले बॉलिंग करना चाहेंगे। आज के मैच में विकेट शुरू में थोड़ा फंस रहा था और फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा गेंद बल्ले पर सही से आने लगी। हम मैच को आखिर तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बावजूद हमारे बॉलर्स ने अच्छा किया। ब्रावो ने शानदार गेंदबाजी की। इस हार के बाद अब चेन्नई अपने अगले मुकाबले में 31 मार्च को लखनऊ सुपर जायंट से भिड़ेगी, जबकि कोलकाता का अगला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से 30 मार्च को होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।